भैरव महला पांज भगता मन आनंद गोविंद अस्थित भय बिनसी सब जिंद भय भ्रम बिनस गए खिन महा पार ब्रह्म बसया मन आई राम राम संत सदा सहाई घर बाहर नाले परमेश्वर रब रहिया पूर्ण सब ठाई रहाउ धन माल जोवन जुगत गोपाल जिया प्राण नित सुख प्रतिपाल अपने दास कौ दे राखे हाथ निमख न छोड़े सद ही साथ हर सा प्रीतम अंबर ना कोई सार संभाले साचा सोई मात पिता सुत बंध नारायण आद जुगाद भगत गुण गायन तिस की धर प्रभ का मन जोर एक बिना दूजा नहीं होर नानक के मन एह पुरखा रथ प्रभु हमारा सारे स्वारथ भक्तों के मन में ईश्वर के बसने से आनंद ही आनंद बना रहता है उनकी सब चिंताएं नष्ट हो जाती हैं और वे स्थिर चित्त हो जाते हैं पल में उनके भ्रम भय नष्ट हो जाते हैं क्योंकि पार ब्रह्म मन में आ बसता है ईश्वर संतों का सदा सहायक है घर बाहर सब में पूर्ण रूप से परमेश्वर ही व्याप्त है रहाउ मेरा धन माल यौवन एवं जीवन युक्ति सब परमात्मा ही है और मेरे जीवन प्राणों का नित्य पालन पोषण करता है वह अपने दास की हाथ देकर रक्षा करता है और पल भर भी साथ नहीं छोड़ता सदैव साथ रहता है ईश्वर सा प्रियतम दूसरा कोई नहीं वह सच्चा प्रभु ही हमारा ध्यान रखता है माता पिता पुत्र एवं बंधु परमात्मा ही है युग युगांतर से भक्त उसके ही गुण गा रहे हैं हमें उसका ही आसरा है और हमारे मन को प्रभु का ही बल है उस एक के सिवा दूसरा अन्य कोई नहीं नानक के मन में यही बल शक्ति है कि प्रभु हमारे सब कार्य संवारेगा भैरव महला पांज भय कौ भव पड़या सिमरत हर नाम सगल व्याध मिटी त्रह गुण की दास के होए पूर्ण काम रहाउ हर के लोक सदा गुण गावह तिन कौ मिलिया पूर्ण धाम जन का दर्श बाछे दिन राती होई पुनीत धर्म राई जाम काम क्रोध लोभ मंद निंदा साध संग मिटिया अभिमान ऐसे संत भेटह बड़ भागी नानक तिन के सद कुर्बान परमात्मा जी का नाम समरण करने से भय भी डर गया है तीन गुणों की सब व्याधियां मिट गई हैं और दास के सब कार्य पूर्ण हो गए हैं रहाउ परमात्मा के भक्त सदा उसके गुण गाते हैं और उनको ही पूर्ण बैकुंठ धाम मिला है भक्तों का दर्शन तो यमराज भी दिन रात चाहता है और पावन होता है काम क्रोध लोभ मंद निंदा एवं अभिमान साधु संगत में मिट जाता है ऐसे संत पुरुषों से जिनकी भेंट होती है वे भाग्यशाली हैं और नानक उन पर सदैव कुर्बान है भैरव महला पांज पंच मजमी जो पंचन राखे मिथ्या रसना नित उठ भाखे चक्र बनाई करे पाखंड झुर झुर पचे जैसे त्रिय रंड हर के नाम बिना सब झूठ बिन गुर पूरे मुक्त ना पाइये साची दरगह साकत मूठ रहाउ सोई कुचील कुदरत नहीं जाने लिपिये थाई न सुच हर माने अंतर मैला बाहर नित धोवे साची दरगह अपनी पत खोवे माया कारण करे उपाय कब है ना घाले सीधा पाऊं जिन किया तिस चित ना आने कूड़ी कूड़ी मुख है वखाने जिसनो कर्म करे करतार साध संग होई तिस बहुहार हर नाम भक्त स्यू लागा रंग कह नानक तिस जन नहीं भंग जो काम आदिक
पांच विकारों को मन में धारण करता है वही पंच मजमी होता है। वह नित्य उठकर मुंह से झूठ बोलता है, ललाट पर तिलक व चक्र आदि पुजारी होने का ढोंग करता है, मगर विधवा औरत की तरह पछताता मर मिटता है। प्रभु के नाम बिना सब झूठ ही झूठ है, पूरे गुरु के बिना मुक्ति नसीब नहीं होती और मायावी जीव प्रभु दरबार में लुट जाता है। रहाउ वह मलिन पुरुष ईश्वर की कुदरत को नहीं जानता, स्थान की लिपापोती करने पर भी ईश्वर इसे पावन स्थल नहीं मानता। जिसका अंतर्मन मैला है और बाहर से शरीर को रोज धोता है वह सच्चे दरबार में अपनी इज्जत खो देता है। वह धन दौलत के लिए अनेक उपाय करता है और कभी सीधा पांव नहीं रखता, अपितु बुरे काम ही करता है। जिसने बनाया है उसे याद नहीं करता और मुंह से सदा झूठ ही बोलता रहता है। जिस पर ईश्वर कृपा करता है उसका व्यवहार साधु पुरुषों के संग हो जाता है। गुरु नानक जी का फरमान है कि जिसका हरि नाम भक्ति से रंग लग जाता है उस व्यक्ति को कोई मुश्किल पेश नहीं आती। भैरव महला पांज, निंदक कौ फिट के संसार, निंदक का झूठा व्यवहार, निंदक का मैला आचार, दास अपने कौ राखणहार, निंदक मुआ निंदक के नाल, पार ब्रह्म परमेश्वर जन राखे, निंदक के सिर कड कियो काल। रहाऊ निंदक का कहया कोई न माने, निंदक झूठ बोल पछुताने, हाथ पछोरह सिर धरण लगाह, निंदक कौ दई छोड़े नह, हर का दास किछ बुरा न मांगे, निंदक कौ लागे दुख सांगे, बंगुले जू रहिया पंख पसार, मुख ते बोलिया ता कड्या विचार, अंतर जामी करता सोई, हर जन करे से निश्चल होई, हर का दास साचा दरबार, जन नानक कहिया तत्त विचार। निंदक मनुष्य को समूचा संसार ही धिक्कारता एवं छी छी करता है। निंदक का व्यवहार झूठा ही होता है और उसका आचरण भी मैला होता है, मगर भगवान जी अपने दास को इस निंदा से बचाकर रखता है। निंदक मनुष्य निंदकों के संग रहकर मर जाता है, पार ब्रह्म परमेश्वर अपने भक्तों की रक्षा करता है और निंदक के सिर पर काल कड़कता है। रहाउ निंदक व्यक्ति का कहां कोई नहीं मानता और निंदक झूठ बोलता पछताता है। वह हाथ पटकता सिर धरती पर लगाता है, मगर निंदक को ईश्वर नहीं छोड़ते। ईश्वर का उपासक किसी का बुरा नहीं चाहता, अतः निंदक को दुखों के तीर लगते हैं। वह बंगुले की मानिंद पंख पसार कर सफेद पोष बनता है, किंतु जब मुंह से बोलता है तो विचार कर सज्जन पुरुष उसे सत्संग से बाहर निकाल देते हैं। ईश्वर अंतर्यामी है, भक्त जो कहता है वह निश्चय होता है। नानक तत्व विचार कर कहते हैं कि प्रभु का भक्त सच्चे दरबार में शोभा पाता है। भैरव महला पांज, दुई कर जोर करो अरदास, जू पिंड धन तिस की रास, सोई मेरा स्वामी करणे हार, कोट बार जाई बलिहार। साधु धूर पुनीत करी, मन के विकार मिटह प्रभ सिमरत, जन्म जन्म की मैल हरी। रहाउ जाके ग्रह मह सगल निधान, जाकी सेवा पाइये मान, सगल मनोरथ पूरण हार, जिये प्राण भगतन आधार, घट घट अंतर सगल प्रगास, जप जप जीवह भगत गुणतास, जाकी सेव न बिरथी जाई, मन तन अंतर एक ध्याई,
गुर उपदेश दया संतोख नाम निधान निर्मल एह थोक कर कृपा लीजे लड़ लाए चरण कमल नानक नित ध्याई।